नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर। आज उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी की पुलिस लाइन ग्राउंड पर पीएसी के 252 रिक्रूट आरक्षियों की पास आउट परेड और दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। आज से खाकी में इन 252 नए सदस्यों को शामिल किया गया। रिक्रूट आरक्षियों की परेड और अनुशासन को देखकर उपस्थित पुलिस के आला अधिकारी गदगद हो उठे। प्रशिक्षण के बाद अब आरक्षियों के कंधों पर देश की जिम्मेदारियां होंगी। दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए आईजी झांसी सुभाष चंद्र बघेल ने पुलिस के इन नए नौजवानों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर एसएसपी झांसी दिनेश कुमार पी, एसपीआईए झांसी राहुल मिठास के अलावा अन्य कई अधिकारी मौजूद रहे। और इनके लिए अब क्या चैलेंज आने वाला है भविष्य में? आज पुलिस लाइन्स झांसी में यहाँ पर हमारे पीएसी के 252 आरक्षियों की पासिंग आउट परेड हुई है और इस पासिंग आउट परेड में यहाँ पर जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी और सारे अधिकारी जिलाधिकारी झांसी और जो हमारे रिक्रूट आरक्षी हैं इनके परिवार के सदस्यगण, ये सभी लोग मौजूद रहे। बहुत ही जो परिश्रम हुआ है वो आज दिखाई दे रहा था ग्राउंड पर। एसएसपी झांसी और उनकी टीम ने जो बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण इन लोगों को दिया है और जहाँ अनुशासन की बात है उसमें ये लड़के, इन्होंने कभी कोई समस्या नहीं आने दिया और हम उम्मीद करते हैं भविष्य में भी बढ़िया काम करें। इनकी सिखलाई बहुत अच्छी हुई है। इनकी जो परेड और जो आज जो पूरी ड्रिल थी वो देखने लायक थी। तो मैं सभी को यहाँ पर एसएसपी झांसी साहब और उनकी टीम को जो इस बेहतरीन प्रशिक्षण दिया गया उसके लिए, जो परेड ग्राउंड का जो मेंटेनेंस यहाँ पर किया गया पुलिस लाइन में उसके लिए सभी को बधाई दे रहा हूँ। और विशेष रूप से मैं उन सभी 252 रिक्रूट आरक्षी जो हमारे पीएसी के रिक्रूट आरक्षी हैं यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, अब ये अपने जो स्थान इनके निर्धारित हैं वहाँ पर जाकर रिपोर्ट करेंगे अग्रिम ड्यूटी के लिए। मैं उन सभी रिक्रूट आरक्षियों को, उनके परिवार के सदस्यों को ढेर सारी बधाई और शुभकामना दे रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश पुलिस के हमारे परिवार में ये सम्मिलित तो पहले ही हो गए थे, लेकिन अब आगे प्रशिक्षण के बाद इनका रोल जो है बहुत चेंज हो जाएगा, इनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। तो आज इनको जो है शपथ पत्र भी जो है वो पढ़ाया गया है, इन लोगों को बताया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से प्रशिक्षण उन्होंने झांसी में लिया है, ये सभी लड़के जीवन भर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम रोशन करते हैं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से मोहम्मद शफीक की रिपोर्ट।